तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान की डे 18 की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। भाई साहब तबाही मचा दी, 1000 करोड़। मतलब हम कल संडे तक जो उम्मीद कर रहे थे कि सिर्फ 1000 करोड़ कंप्लीट नहीं करेगी, इसे क्रॉस भी कर जाएगी, और वही मंजर हुआ। शानदार तबाही देखने को मिल रही है, शानदार ग्लोरी देखने को मिल रही है। जवान लगातार आगे बढ़ रहा है, अपने थर्ड संडे में जो बूस्टर आया है, जो कमाई करी है, भाई मज़ा आ गया। क्योंकि सामने गदर 2 भी चल रही है और साथ में नई ताजी फिल्म विक्की कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली भी चल रही है, उसके बावजूद भी ह्यूज कलेक्शन आया है। मैं कह रहा हूँ इतनी तो विक्की कौशल की जो नई मूवी है इसने नहीं कमाया होगा कल सिंगल डे पर, जितना कि ये इस मूवी ने जवान ने 18वें दिन में कल कमा लिया है पूरी दुनिया से। भाई और सब बताऊँगा एक करके, कल कितनी कमाई करी है हिंदी से, कल कितनी कमाई करी है तमिल तेलुगू से, टोटल नेट कलेक्शन कितना है, ग्रॉस कलेक्शन कितना है, पूरी दुनिया से कितना आया, सब कुछ पे बात करेंगे। और अभी तक कौन कौन सी फिल्मों के रिकॉर्ड से तोड़ चुकी है और कितना कलेक्शन ये हिंदी से कर चुकी है, कितना कलेक्शन ये पूरी दुनिया से कर चुकी है, सब चीज़ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर लगातार जवान से ऐसे ही बिग मसालेदार एंड बिग अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदी से कल जवान ने कमाया है 13.90 करोड़, ऑलमोस्ट 14 करोड़ ही मान के चलो। कल पूरे दिन जबरदस्त कमाई करी है, बाय गॉड। ये सिंगल डे कलेक्शन होता है, ओपनिंग डे कलेक्शन, क्योंकि सर्कस जो मूवी आई थी आई थिंक मुझे याद है, और सेल्फी जो मूवी आई थी, पूरी दुनिया से इन दोनों फिल्मों ने अपने पहले ही दिन ही 8 से 9 करोड़ या 11 करोड़ के आसपास ही कमाई करी थी, लेकिन जवान अपने 18वें दिन में सिर्फ हिंदी से 14 करोड़ का कलेक्शन करके आ रही है भाई, और वो भी सामने अपोनेंट्स हैं, कंपटीशन है, उसके बावजूद। तमिल तेलुगु से कल आया है 1.05 करोड़, इट मींस 1 करोड़ ही मान के चलो, और टोटल नेट कलेक्शन कल कितना हुआ फिर तीनों लैंग्वेज को मिलाकर, तमिल तेलुगु और हिंदी को मिलाकर 14.95 करोड़, इट मींस 15 करोड़ ही मान के चलो, और ग्रॉस कलेक्शन कल पूरे दिन का रहा है 18वें दिन का 19 करोड़, और पूरी दुनिया से इस मूवी ने ओवरसीज के साथ कलेक्शन करके ओवरसीज से 9 करोड़ का कलेक्शन आया है कल पूरी दुनिया से, बाय गॉड। और पूरी दुनिया से कल 18वें दिन में मूवी ने कमाया है 28 करोड़, ह्यूज कलेक्शन। मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड की हिंदी मूवी की ये फर्स्ट डे, सेकंड डे या थर्ड डे के आसपास की सिंगल इनकम होती है किसी भी मूवी की, बॉलीवुड की हिंदी मूवी की, जबकि जवान का 18वें दिन में सिंगल डे में 28 करोड़ आया है पूरी दुनिया से, फिर कह रहा हूँ कंपटीशन होने के बावजूद। तो पहले 18 दिन में हिंदी से मूवी ने कितनी कमाई कर ली है, अब 505.94 करोड़, इट मीन्स 506 करोड़ ही मान के चलो राउंड फिगर में अप्रॉक्सीमेटली। तो हिंदी से पहले 18 दिन में मूवी 506 करोड़, बाई ह्यूज कलेक्शन सिर्फ हिंदी से कमाई करी है। पहले 18 दिन में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन मूवी कर चुकी है 563 करोड़, ह्यूज ह्यूज कलेक्शन एवर, बाय गॉड। उसके बाद ग्रॉस से कर चुकी है पहले 18 दिन में ये मूवी 674 करोड़ का जाइंट कलेक्शन, और ओवरसीज से पहले 18 दिन में जवान लेकर आई है 332 करोड़ कल एंड ऑफ द डे तक, सिर्फ ओवरसीज से। यहाँ पर इंडिया का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ओवरसीज से बाहरी दुनिया से 332 करोड़ ये पहले 18 दिन में लेकर आ चुकी है। लाइफ टाइम कलेक्शन होती है बॉलीवुड की छोटी मोटी मूवी की, इवन मैं भोला मूवी को ले लूँ तो भोला लगभग 300 करोड़ के आसपास ही ढह गई थी, इतना लाइफ टाइम कलेक्शन आया था, लेकिन जवान सिर्फ ओवरसीज से 332 करोड़ का कलेक्शन, ह्यूज कलेक्शन लेके आई है। और पूरी दुनिया से जो एक बातें चल रही थी कि जवान कब 1000 करोड़ कंप्लीट करेगी, बहुत से लोग कह रहे थे इतने दिन में करेगी, उतने दिन में करेगी, तो एक्चुअल अब पूरा आंकड़ा विथ प्रूफ आ चुका है कि जवान ने 18 दिन में 1000 करोड़ ना कि सिर्फ कंप्लीट करे, क्रॉस भी करा, 1000 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन किया है, बाय गॉड। 1004.92 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 1005 करोड़ ही मान के चलो पूरी दुनिया से ये मूवी कल 18वें दिन में, पहले 18 दिन में 1004 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी है। जहां पर बहुत लोग ये बोल रहे थे कि जवान नहीं कर पाएगी इतना, क्योंकि पठान तो चलो जैसे तैसे कर दिया, क्योंकि सिंपथी के बेस पे मिल गया, क्योंकि शाहरुख खान 4 साल के बाद वापसी करी थी, इस वजह से लोगों ने चलो ठीक है आगे देखते हैं क्या बनाया क्या नहीं बनाया, 4 साल के बाद कैसी एंट्री है कैसा ना है, तो उस टाइप से लोग ऐसे क्रिटिकल कमेंट दे रहे थे। लेकिन जवान ने लेगेसी प्रूफ करी है शाहरुख खान की, और अभी तो डंकी आना बाकी है, और मैं कह रहा हूँ डंकी 1000 करोड़ 15 से 16 दिन के अंदर कंप्लीट कर जाएगी, क्योंकि
बूस्टर सीधे पठान का बूस्टर मिलेगा, जवान की ग्लोरी का बूस्टर मिलेगा। जब सक्सेस हो जाती है ना चीज़ें तो ऑटोमेटिक बूस्टर मिलता है, और वही एडवांटेज इन दोनों फिल्मों का भी मिलेगा। फिर राजकुमार हिरानी जो डायरेक्टर हैं उस नाम का भी एडवांटेज मिलेगा, और फैन फॉलोइंग और बढ़ चुकी है और स्ट्रांग हो चुकी है, उसका बूस्टर सीधा सीधा एडवांटेज मिलने वाला है। तो मूवी ने 18 दिन में ही 1,000 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। अब मैं आपको बताऊँ तो हिंदी में 18 दिन में ही ये नंबर वन मूवी बन चुकी है हिंदी में कलेक्शन के मामले में, नंबर वन ग्रॉसर। सेकंड पर है गदर 2 जिसने 24 दिन में 500 करोड़ कंप्लीट किए थे। उसके बाद पठान है जिसने 28 दिन में किया था। उसके बाद बाहुबली 2 है जिसने 30 दिन में 500 करोड़ हिंदी से कलेक्शन कर रखा है। अब जवान नंबर वन पर आ चुकी है। तो सिंगल डे का रिकॉर्ड भी इसके पास है, वीकेंड में नंबर वन कमाई जिसने करी है, फास्टेस्ट ग्रॉसिंग के मामले में बोल रहा हूँ, फास्टेस्ट कलेक्शन के मामले में। सिंगल डे कौन सा, जो संडे का था, फर्स्ट संडे में जो 71 करोड़ का कलेक्शन किया था, वो ह्यूज कलेक्शन सिर्फ हिंदी से आया था इस मूवी ने लेके आया। ये जवान बड़ी से बड़ी मूवी कोई ला ही नहीं पाया इतना बड़ा कलेक्शन। फास्टेस्ट वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर के रिकॉर्ड में बॉलीवुड की ये मूवी नंबर वन पर आ चुकी है, जिसने 100 करोड़ बहुत तेजी से कंप्लीट किया, फिर 300 करोड़, 500 करोड़, 750 करोड़ और 18 दिन में 1,000 करोड़। फास्टेस्ट हिंदी में कमाई करने के मामले में नंबर वन पर आ चुकी है, जिसने पहले 100 करोड़ कंप्लीट किया, फिर तेजी से 200 करोड़, फिर 300 करोड़, फिर 400 करोड़ और अब 500 करोड़ ये कल एंड ऑफ द डे तक कंप्लीट कर चुकी है। तो जवान जबरदस्त तबाही मचा रही है, ये हम देख रहे हैं और मज़ा आ रहा है, बाय गॉड। अब डंकी कितना करेगी, डंकी के लिए बहुत ज़्यादा होप बढ़ रही है। उसके बाद टाइगर 3, भाई टाइगर 3 जो एक है, मैं ये मूवी बार बार कह रहा हूँ, इसमें दम है कि ये जवान के सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकती है, धराशाही कर सकती है। अगर टाइगर 3 का कंटेंट ज़बरदस्त मिल गया, स्टोरी लाइन ज़बरदस्त निकल गई तो मज़ा आ जाएगा। उसके बाद सालार बैठी है, सालार के पास तो और भी ज़्यादा पोटेंशियल है, तो सालार मुझे लग रहा है कर देगी हिंदी से, ये लाइफ टाइम कलेक्शन इसका तोड़ सकती है, नंबर वन पर आ सकती है, लेकिन ईजी नहीं होगा क्योंकि शाहरुख खान की डंकी अभी बाकी है। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है कि लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है, मैं मान के चल रहा हूँ 1200 करोड़ ये मूवी टच करके जाएगी, 1200 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या कहना है, क्या ये मूवी 1200 करोड़ टच करेगी या नहीं करेगी, या अभी भी इस चीज़ के साथ चलने की ये मूवी 1500 करोड़ टच कर जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।